हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सातवाहन वंश की, जिसकी स्थापना करी थी सिमुख ने कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करने के बाद। तो बहुत कुछ देखेंगे। लंबा शासनकाल रहा इनका, 30 BC से लेकर के 250 AD तक रहा है, यानी 280 साल तक इस साम्राज्य ने शासन किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल इन्फो इन्फिनिटी पे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये था साम्राज्य सातवाहन वंश का, यानी अभी तक जो सेंटर ऑफ पोजीशन थी या कैपिटल थी वो थी मगध पाटलिपुत्र, परंतु अब साउथ के यानी दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित सातवाहन वंश के राजा जो थे, उन्होंने सुंग वंश और कर वंशों के राजाओं को हरा करके अपना साम्राज्य नॉर्थ में फैलाना शुरू किया था। तो ये था इनका सेंटर, प्रतिष्ठान थी इनकी राजधानी। मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दक्षिण भारत से इसका उद्भव हुआ था। आंध्र प्रदेश में इनके बहुत सारे कह सकते हैं जो खुदाई में अवशेष मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि इनका संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा था। इस समय शीशे का सिक्का चलाने वाला सबसे पहला शासनकाल जो वंश कहलाता है, वो भी सातवाहन वंश ही था। ये सिक्का ये रोम से लेके आए थे। चलिए बात करते हैं सिमुख के बारे में, जिसने 30 BC से लेकर 37 BC तक शासन किया है, संस्थापक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था सिमुख। इसका शासनकाल था 60 से लेकर 67 ईसा पूर्व। इसकी कुल एज रही है, सुंगों और कर्मों की वंश शक्तियों का इसने विनाश कर दिया एकदम। इसकी जो राजधानी थी वो गोमती तट पर स्थित प्रतिष्ठान थी, जिसे पैठन भी कहा जाता था। इसने अपने शासनकाल में बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। यानी इसके साथ ही साथ इसने, इसकी जो मृत्यु हुई तो इसका जो छोटा भाई कान्हा था वो गद्दी पे बैठा है। यानी अगला जो शासनकाल है वो आता है कान्हा, या कृष्ण नाम से ये फेमस थे। इन्होंने 18 साल तक कार्यकाल चलाया और अपने साम्राज्य को बहुत फैलाया। इसके साथ ही साथ नासिक के शिलालेखों में इनका वर्णन मिलता है, यानी ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी फैले थे। नेक्स्ट जो गद्दी पे बैठे हैं सतकर्णी प्रथम, ये कान्हा के उपरांत गद्दी पे बैठे और ये उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नानाघाट की शिलालेख में सतकर्णी के कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। यानी ये यज्ञ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये बहुत प्रतापी राजा थे और अपने एरियाज को बहुत बड़े लेवल तक एक्सपेंड किया है इन्होंने। इसके साथ ही साथ पश्चिम में मालवा के साथ साथ नर्मदा नदी की घाटी पर या विदर्भ प्रदेश जो पे भी इन्होंने अपना शासनकाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके पश्चात इनके 2 अल्पवयस्क पुत्र थे, एक वेदश्री और सश्री, ये गद्दी पे बैठे। चूँकि वो अल्प वयस्क थे, यानी बेसिकली वयस्क नहीं थे, तो उनकी माँ ने वहाँ पर शासन किया और सारी भागदौड़ उन्होंने संभाली। नायिका ने, नैनिका नाम था उनका, उन्होंने अपने फादर को यानी इन बच्चों के नाना के साथ मिल करके कुछ समय तक शासनकाल पे गद्दी का साम्राज्य को या शासन को संभाला। इसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी आके गद्दी पे बैठे। आधी शताब्दी के उठापटक तक बहुत सारे राजा आए गए। इसके बाद फाइनली गौतमीपुत्र सतकर्णी के हाथों में जो एक शक्तिशाली राजा बने सातवाहन वंश के, और उन्होंने इस वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको वापस लेके आए। इनको सबसे महान शासक कहा जाता है, एक सतकर्णी प्रथम और दूसरा गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बाद इन्होंने 25 वर्षों तक साम्राज्य किया, शासन किया, और जितना भी खोए हुए प्रतिष्ठा थी या राज्य जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया था, उन सबको वापस जीत के एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करी। ये जो अभी हमने फिगर मैप में देखा था वो पूरा का पूरा मैप गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय का माना जाता है। इसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी बैठे। यज्ञश्री सतकर्णी अंतिम पराक्रमी राजा थे। इन्होंने 27 वर्षों तक शासन किया और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों पर इनका शासन मिलता है। इसके बाद ये थे अंतिम राजा। तो यज्ञश्री सतकर्णी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि सातवाहन वंश के सबसे पहले राजा कौन थे, तो वो थे सिमुख। अंतिम राजा कौन थे, यज्ञश्री सतकर्णी। सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ये था सातवाहन वंश के बारे में। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा गुप्त वंश के बारे में, जिसे हम भारत का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और इसको कमेंट करिए और अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।